आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3 के विलोपन विधि का क्वेश्चन नंबर 5 के टाइप को समझें। क्वेश्चन नंबर 5 के सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए। तो देखिए, जब इस तरह के प्रश्न हो आप ध्यान दें, तो जब इस तरह के प्रश्न हो तो आप खुद सोचिए कि 5 में एक तो ऐसा है बाकी 3 ये प्रश्न है। तो आपको जब इस तरह से प्रश्न दिख जाए कि बट्टा में एक्स वाई हो, तो पहले आप इसको नीचे 1 मान लीजिए, पहले आप इसको नीचे 1 मान लीजिए और इसको त्रिक गुना कर लीजिएगा, तो गुना करते ही आपको मिल जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 6xy समीकरण 1। अब इसको भी आप मान लीजिए तो आप गुना करिएगा तो क्या होगा, 4x माइनस 5y बराबर माइनस 3xy, यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, अब आपको यह प्रश्न ऐसा बच जाए, लेकिन एक उनसे अलग यह है कि यह दूसरी ओर एक्स वाई गुना में है। आप कॉमन देखिए कि दूसरी ओर एक्स वाई, दूसरी ओर एक्स वाई, दूसरी ओर एक्स वाई गुना में है, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। एक बार खाली आप ध्यान दे लीजिए कि जब दूसरी बार दूसरी ओर एक्स वाई हमें गुना में चल जाए, जैसा कि यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, इन प्रश्नों में दिया है, तब हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए, इन एक्स वाई को हटाने के लिए आप क्या करिएगा कि दोनों समीकरणों में ऐसे, समीकरण एक आपको ऐसे है और ये दो आपको ऐसे, तो लिखना चाहिए आपको दोनों समीकरणों में जो भी इस हर में अंक छोड़ के चर पद जो बचा है, मानो एक्स वाई, ये भी अगर मान लीजिए हमको ये भी बचा रहता, यहाँ ये भी बचा रहता, तो इसको हटाने का प्रयत्न करते हैं, तो जो भी आपको गुना में रहे, यहाँ एक्स वाई है तो एक्स वाई से भाग देने पर, दोनों समीकरणों में एक्स वाई से भाग देने पर, भाग देने पर, तो भाग हम लोग कैसे देंगे, भाग देने का मतलब बट्टा में ला रहे हैं एक्स वाई, तो एक्स वाई बट्टा में एकरो नीचे लाएंगे और एकरो नीचे लाएंगे, ध्यान से सीखिएगा। तो इसको नीचे जब देखिए, टू दिख रहा है इधर, तो जब पहले देखिए, यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि अगर मैं एक समीकरण में भाग दूंगा तो 2x प्लस 5y बराबर 6xy, जैसा कि हम कहें कि एक्स वाई से भाग देना, तो एक्स वाई से इधरों भाग देंगे और इधरों भाग देंगे, फिर कटेगा आप दोनों वही बच जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, देखिए कटेगा वही बचेगा, लेकिन नीचे नहीं निकलेगा। अच्छा, लेकिन भाग देने का तरीका यहाँ से यह होगा कि अलग अलग पदों में भाग देंगे, ऐसे यहाँ भी एक्स वाई से भाग देंगे, यहाँ से भी एक्स वाई से भाग देंगे, देखिए आप फिर लघुत्तम लीजिएगा तो सेम बात बचेगा और वही आ जाएगा कट के, लेकिन फायदा क्या होगा कि इसको से ही कट जाएगा, इसको से ही कट जाएगा, इसको से ही कट जाएगा, आपको बच जाएगा क्या 2x प्लस में 2y प्लस में 5x बराबर में 6, इस तरह से आपको पहले बना रहे थे तैसा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो जब मैं भाग दे रहा हूँ, आशा है आप समझ पाए होंगे, तो मैं दोनों समीकरणों में भाग दे रहा हूँ, तो देखिए 2x प्लस 5y बराबर 6xy, तो यहाँ भी एक्स वाई से भाग दिया, यहाँ भी एक्स वाई से भाग दिया, यहाँ भी एक्स वाई से भाग दिया, तो समीकरण पहला में जब भाग दे रहे हैं तो दोनों समीकरणों में एक्स वाई से भाग देने पर, तो पहला में अभी हम भाग दे रहे हैं, तो सोचिए ई से एक्स कटा, वाई से वाई कटा, एक्स वाई से एक्स वाई कटा, तो आपको बचा 2x प्लस 2y बचा प्लस 5x बराबर 6। अब यहाँ समीकरण एक से आपको 3 बना, एंड देखिए यदि मैं समीकरण 2 में भाग दू एक्स वाई से, तो आप दिमाग लगाइए कि यदि इसके नीचे एक्स वाई आएगा तो एक से एक्स कट जाएगा तो 4y बचेगा, इसके नीचे एक्स वाई आएगा तो वाई से वाई कटेगा 5x बचेगा, इसके नीचे एक्स वाई आएगा तो एक्स वाई दोनों कट जाएगा -3 बच जाएगा, समीकरण 4 हो जाएगा। अब आप समीकरण 3 और 4 को देखिए, पहले जैसे हल कर रहे थे वैसे आप हल कर सकते हैं, एकदम डेफिनेटली आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। जैसे 3 और 4 आपको यह मिल गया, तो आप 3 और 4 में आप सोच रहे हैं कि हमको एक से वाई वाला काटना है, तो देखिए 3 और 4 को हल करने पर समीकरण 3 एवं 4 को हल करने पर, हल करेंगे तो आप एक्स वाई को काटते हैं, जैसे आप 4 के बना रहे थे, तो देखिए दोनों में हमको 5-5 बराबर है, तो आप इसको से इसको काट सकते हैं, चलो मैं अलग काट देता हूं ताकि, हल करेंगे तो 2 बटा वाई प्लस में 5x बराबर 6 और 4 बटा वाई
माइनस में फाइव बट्टा एक्स बराबर माइनस थ्री। आप देख पा रहे हो कि ऐसा समीकरण आप हल कर चुके हैं, आप पहले भी ऐसा हल किए हैं, तो ये बराबर था तो मैंने कहा कि सीधा सीधी काट दो, तो इसको और इसको काट दिया। यहां लिखे हैं हल करने पर, तो अब देखिए काटने के बाद आपको क्या बचा, टू वाई वाई का लघुत्तम वाई बचा, टू प्लस फोर बचा, बराबर में आपको छह में से तीन घट जाएगा तो आपको तीन बचा। तो यहाँ पे फिर से देखिए आपको आ गया छ बटा वाई बराबर में तीन बटा वन, तीन दुना के छ, आप त्रिया गुना करोगे तो आपको हो जाएगा, देखिए यहाँ त्रिया गुना कर रहे हैं तीन दुना के छ, तो वाई बराबर आपको आ गया टू, वाई बराबर टू। अब वाई का मान आप एक या दो या तीन या चार, तो सुविधा के अनुसार आप जोन में रखना चाहें तो एक में भी रख सकते हो, दो में भी रख सकते हो, तीन में भी, चार में भी। तो चलिए मैं एक में रखता हूं। तो देखिए y का मान समीकरण, y का मान समीकरण मैं तीन में रख रहा हूं ताकि आसानी से मिले। y का मान समीकरण तीन में रखने पर, तीन में रखने पर तो तीन आपको क्या मिला है, देखिए टू बटा वाई प्लस में पांच बटा एक्स बराबर छ, और टू को टू छोड़ दीजिए, वाई के जगह पर भी टू आया है, नहीं टू आया है, फाइव बटा एक्स बराबर में छ, यह से यह कैंसल हो गया, आपको फाइव बटा एक्स वन को उधर भेजिएगा तो बचेगा फाइव, फाइव से फाइव कैंसल, वन बचा, आप त्रिया गुना कर लीजिए, एक्स बराबर वन आ जाएगा। इस तरह से आपको समीकरण हल हो जाता है। पांच के पहले थोड़ा आंसर देख लो, ठीक है, एक्स बराबर वन वाई बराबर टू, ठीक है। पांच के दूसरा आपके लिए भी इसी तरह सेम प्रश्न है, कै मिनट हुआ, देखिए आप पांच के दूसरा तीसरा भी आसानी से अब हल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सिंपल है। पांच के दूसरा एक्स प्लस, पांच के दूसरा है एक्स प्लस वाई बराबर टू एक्स वाई, एंड चलिए समीकरण वन, और एक्स माइनस वाई बराबर छ एक्स वाई, यह समीकरण दो। अब आपको हम अभी कहे थे कि यदि हर आ जाए दूसरी ओर एक्स वाई आ जाए तो आप दोनों समीकरणों में जो गुना में है एक्स वाई, तो एक्स वाई से भागा दे दीजिए, तो लिखेंगे दोनों समीकरणों में दोनों समीकरण में एक्स वाई से भाग देने पर, जब भाग हम दे रहे हैं एक्स वाई से, तो देखिए इसको मैं नीचे एक्स वाई लिखेंगे, सोचिए कि अगर मैं एक्स के नीचे एक्स वाई लिख दिया तो एक्स से एक्स कट गया, वन बटा वाई बचा, देखिए वन बटा, तो लिख दीजिए समीकरण एक से, तो समीकरण एक से चल रहे हैं तो यहाँ भागा दे रहे हैं, तो एक्स वाई से भागा दिए तो एक्स से एक्स कट गया, वन बटा वाई बचा, प्लस वाई से इसको में भी एक्स वाई से भागा दे रहे हैं तो वन बटा एक्स बचा, बराबर में टू, समीकरण यह तीन मिला। फिर समीकरण, फिर समीकरण दो से, जब दो से चल रहे हैं तो एक्स से वाई से यहाँ भागा दिया है तो वन बटा वाई बचा, माइनस में एक्स वाई से भागा दिया है तो वन बटा एक्स बचा, बराबर में छ बचा, समीकरण चार। आप उसी तरह देखिए फिर से ही, तो और डेफिनेटली आप हल कर सकते हो। समीकरण तीन तथा चार को हल करने पर, तो हल कर रहे हो तो वन बटा वाई प्लस में वन बटा एक्स बराबर टू, और वन बटा वाई माइनस वन बटा एक्स बराबर छ, तो इसे ही कैंसल, तो देखिए वन प्लस वन बटा वाई बराबर में आठ, इसको नीचे वन, तो टू बटा वाई बराबर में आठ बटा वन, तो दो चौके आठ, आपको आया फोर वाई बराबर वन, इसलिए वाई बराबर आ गया वन बटा फोर। अब y का मान अपने सुविधा अनुसार दो तीन जोन में रखना है, रख दीजिए y का मान समीकरण तीन में रखने पर, तीन में रखने पर, समीकरण तीन में रख रहे तो समीकरण तीन देखिए वन बटा वाई प्लस वन बटा एक्स बराबर टू है। तो देखिए अभी हम मान को रखना आपको सिखा रहे थे कि वन के नीचे वन, क्योंकि बटा में है, तो वन बटा फोर बराबर में प्लस में वन बटा एक्स बराबर टू, तो उसी तरह यह ऊपर ले जाइएगा तो वन बटा वन दिख रहा है जी, गुने फोर बटा वन प्लस वन बटा एक्स बराबर टू। तो अब देखिए अब मैं यहाँ पे हल कर दे रहा हूं इसे, तो गुना होके हो जाएगा चार बट्टा एक, यानी चार प्लस वन बटा एक्स बराबर टू,
चार को दूसरी ओर ले जाइए तो वन बटा एक्स बराबर आ गया माइनस टू, त्रिया गुना कर दीजिए माइनस टू एक्स बराबर वन, इसलिए एक्स बराबर आ गया माइनस वन बाई टू। आपको हल हो गया वाई बराबर वन बाई फोर एंड एक्स बराबर माइनस वन बाई टू। ऐसे आप बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें ताकि आपके लिए मैं और भी वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद। सब्सक्राइब भी जरूर करें, आगे भी उपलब्ध कराएंगे वीडियो।